रही है। आप लोगों की किस नाम से थी? React 3 to 5। सही है। इधर आते हैं और काउंटर ऐप के बाद हमने एक बना के रखा हुआ था जिसके अंदर हमने टेलमेंट सेसेस को कनेक्ट करा था, याद होगा। तो माय प्रोजेक्ट था मेरे ख्याल में, पता नहीं न्यू था टेलमेंट सेसेस किस में, माय प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं, इसी के अंदर आते हैं CMD, CMD के अंदर करा NPM रन डेव, ठीक है। और इसको आके स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का आ रहा है। अब हमें करना क्या है, यूज स्टेट को, यूज इफेक्ट को समझना है कि यूज इफेक्ट हुक करता क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। यूज इफेक्ट हुक को यूज़ करने के लिए हमारे पास होती हैं 3 स्टेट्स। कितनी स्टेट? 3 स्टेट्स का मतलब है 3 तरीके होते हैं यूज इफेक्ट हुक को यूज़ करने के। सबसे पहला यूज इफेक्ट जो हुक है वो यूज़ वहाँ पर होता है, जैसे कि यूज इफेक्ट हुक के अंदर नॉर्मली हमारे पास API रख के कॉल की जाती है। क्या रख के कॉल की जाती है? API। और उसी में रख के क्यों कॉल होती है उसको समझते हैं। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले मैंने एक हुक बना लिया, कौन सा? यूज इफेक्ट। और ये कहाँ से आ रहा है? React से आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये अपनी बॉडी के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, सही है। तो इधर आते हैं, 2 पैरामीटर लेता है, एक फंक्शन लेता है। अगर देखो मैं इस पर ओवर करूँ, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है कोमा लगा के, दूसरा ये डीप आ रहा है ना, डीप का मतलब है डिपेंडेंसीज। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये हमारे पास डिपेंडेंसीज आ रहा है, ठीक है। अब ये डिपेंडेंसीज लिस्ट, ये क्या चीज़ें, मतलब मैंने क्या बोला, यूज इफेक्ट 2 चीज़ें लेता है, एक लेता है कॉल बैक फंक्शन एंड सेकेंड चीज़ लेता है डिपेंडेंसीज। ये क्या होती हैं? सबसे पहले इसने बोला कि कॉल बैक फंक्शन लेता है। पहले मैं कॉल बैक के साथ इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। हमारी स्टेट, हमारी जो स्टेट है, मतलब हमारा कंपोनेंट जो है, कब कब रेंडर होता है, सवाल यहाँ पर आता है। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आता है कि हमारा स्टेट जो है, हमारी जो रिएक्ट का कंपोनेंट है, कब कब बार बार रीरेंडर होता है। रीरेंडर से मतलब है कि कब कब बार बार जो है अपने आप को रिलोड करता पेज। रीरेंडर का मतलब ये है। तो इस बात का जवाब ये है कि आपके पास अगर कोई स्टेट है, स्टेट का मतलब, मैं स्टेट किसको बोल रहा हूँ, यूज स्टेट को, स्टेट बोल रहा हूँ, स्टेट हमारा जो कंपोनेंट है कब बार बार रीरेंडर होता है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अभी आपको बताया, जब भी हम कुछ भी चलाते हैं तो पेज तो रिलोड होता नहीं है, समझ रहे हो, लेकिन बिहाइंड द सीन वो रिलोड हो रहा होता है, बिहाइंड द सीन वो रिलोड हो रहा होता है। याद है जब मैंने आपको थोड़ी बहुत चेंजिंग करता हूँ तो दिखाता हूँ कि वो एरिया चेंज हो जाता है। तो वो कब कब चेंज होता है, सवाल यहाँ पर है कि वो कब कब रीरेंडर होता है। तो इसका जवाब ये है कि जब भी आपकी स्टेट, मैं स्टेट किसको बोल रहा हूँ, यूज स्टेट को, जब भी आपकी स्टेट जो है अपडेट होगी, जब भी आपकी स्टेट अपडेट होगी तो आपका जो कंपोनेंट है वो रीरेंडर हो जाएगा। बात को समझ रहे हो, बोल क्या रहा हूँ, जब भी आपकी स्टेट अपडेट होगी तो आपका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, रीरेंडर हो जाएगा। रीरेंडर का मतलब वापसी से रिलोड होकर फिर से चलेगा जी। जब जैसे हम उस पर अपडेट करेंगे तो हमारा जो है फंक्शन जो है, या हमारा कंपोनेंट जो है, पूरा वापसी से रीरेंडर हो जाएगा बिहाइंड द सीन। और इस बात का प्रूफ दिखाता हूँ मैं, सही है। तो जो मैं बात बोल रहा हूँ, इसका यूज इफेक्ट से क्या लेन देन है, सही है। सबसे पहले तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि यूज इफेक्ट हमारा वर्क कर रहा है, चल रहा है, सही है। मैं यहाँ पर अभी स्टार्ट कर रही है, समझ में आ जाएगा। देखो यूज इफेक्ट का हुक जो है हम क्यों यूज़ करते हैं, हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इसमें हम API रख के कॉल कराते हैं। यूज इफेक्ट के हुक के अंदर हम API रख कर कॉल कराते हैं, मैंने ये बोला। लेकिन यूज इफेक्ट का हुक जो है हमारे पास 3 टाइप से चलता है, 3 तरीकों से चलता है, 3 तरीके होते हैं इसको चलाने के, सही है। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला तरीका दिखाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक नॉर्मल वेबसाइट की बात करूँ, समझ लो कि हम इसमें API का काम कर रहे हैं, समझ लो। सबसे पहले वेबसाइट लोड हुई, सबसे पहले वेबसाइट लोड हुई और लोड होने के बाद स्क्रीन पर प्रोडक्ट आ जाएंगे, समझ रहे हो, बात समझ में आ रही है ना। जैसे आपकी वेबसाइट रिलोड होती है, जब नई नई आती है, चलती है, तो सबसे पहले स्क्रीन पे प्रोडक्ट आ जाते हैं लोड होकर,
तो अगर हमने जैसे बोला कि एपीआई में इसमें रख के कॉल करूंगा तो यूज इफेक्ट चल जाएगा, और यूज इफेक्ट कब चलेगा, जब आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा। यूज इफेक्ट ऐसे नहीं चलेगा, यूज इफेक्ट जब चलता है जब आपका कंपोनेंट री रेंडर होता है। मतलब ये है कि अगर मैं इसको यूज इफेक्ट को चलाता हूँ, मैं पेज को रिलोड करूंगा तो यूज इफेक्ट चल जाएगा क्योंकि कंपोनेंट री रेंडर हो गया। री रेंडर का मतलब है एक दफा रेंडर तो है स्क्रीन पे जो आ रहा है वो ठीक है, री रेंडर का मतलब वापसी से चलना, समझ रहे हो। तो यूज इफेक्ट कब कब चलता है, जब री रेंडर होता है, आपकी जो स्टेट है आपका जो पूरा कंपोनेंट है जब अपडेट हो जाएगी, कुछ भी उसमें चेंजिंग होती है तो यूज इफेक्ट वापसी से चल जाएगा। यूज इफेक्ट में मसला है, तो इस मसले को समझाने के लिए मैं आपको इधर लेकर आता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ऐसा करता हूँ, रनिंग करता हूँ, थोड़ा सा समझने में हार्ड है, इसको कोशिश करना समझने की। अभी मैंने स्टेट नहीं लगाया, इफेक्ट लगाया, सिर्फ मैं इधर आया, इधर आके चाहता हूँ कंसोल में आता हूँ, पेज को रिलोड करा चल गया, पेज को रिलोड करा चल गया। अभी दो दफ़ा चल रहे हैं, दो दफ़ा इसलिए चल रहे हैं कि मेन डॉट जे एस एक्स के अंदर ये चीज़ लगी हुई है, आप इसको आके हटा दो, इसकी वजह से चल रहा है। इसको हटा दो, एक दफ़ा ही आ जाएगा। अब देख रहे हो जैसे पेज रिलोड होता है ये चल जाता है, ये चीज़ नोट करी ना आपने। अब हमारे पास समझ लो, जैसे मैंने इसमें बोला कि अगर इसके अंदर मेरे पास एक कोई एपीआई होती, जैसे मैंने इसको अंदर बोला कि एपीआई कॉल होती है हमारे पास रियल लाइफ में, वैसे ही इसलिए यूज़ होता है। अगर इसके अंदर मेरे पास एपीआई होती तो मैं समझ लो यहाँ पर एक एपीआई टाइप की कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने बोला फेच प्रोडक्ट एपीआई, समझ लो जैसे मेरी वेबसाइट चली और ये मेरी एपीआई कॉल हो गई, समझ रहे हो। तो अब और कब कब चलता है, जैसे मैंने बोला जैसे आपकी स्टेट अपडेट होगी, जैसे आपने इसमें यूज स्टेट का यूज़ किया होगा, जैसे कोई भी आप अपडेट कराओगे तब भी ये चल जाएगा। अब कैसे चलेगा मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आया, मैंने लिया लेट, एक एरे बनाया और यहाँ पर आके लिखा यूज स्टेट, ठीक है, और इसके अंदर मैंने कर दिया बाय डिफॉल्ट 0, और इसके अंदर आके लिखा काउंट, COUNT काउंट, COUNT काउंट। दूसरी चीज़ सेट काउंट, समझ रहे हो, सेट काउंट। अब हमारे पास, मैं यहाँ पर ये करने जा रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ जैसे क्लिक करूँ स्टेट अपडेट कराऊँ ताकि आपको पता चले यूज़ इफेक्ट चल रहा है, बार बार जब भी अपडेट होती है हमारी स्टेट तो यूज़ इफेक्ट खुद ही कॉल हो जाएगा, पेज रिलोड नहीं होगा, अंदर कुछ भी चेंजिंग होगी तो यूज़ इफेक्ट चल जाएगा। सही है, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, अंदर कुछ भी चेंजिंग होने का मतलब ये नहीं कि स्पेस लिखा तो यूज इफेक्ट चल जाएगा, नहीं, जब कोई स्टेट अपडेट होगी, समझ रहे हो, जब कोई स्टेट अपडेट होगी, तो इसलिए मैंने स्टेट बनाई है कि यूज स्टेट। मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोई इस बटन पे क्लिक करे, किस बटन पे, इधर ही आ जाता है, चलो ठीक है। मैंने यहाँ पर एक बटन लिया और इस बटन के अंदर लिखा चेंज, या यहाँ पर कर लेते हैं COUNT काउंट, ठीक है, और ये मेरी स्क्रीन होगी H1, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा होगा, काउंट आ रहा होगा, जो काउंट की इनिशियल वैल्यू होगी वो इसमें आ रही होगी। और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, जैसे मैं इस पर ऑन क्लिक चलाऊँगा, तो सेट काउंट जो है मेरे पास, सेट काउंट, मैंने एक फंक्शन बनाया, लेमडा फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला आप क्या करो, सेट काउंट में जाओ, उसके अंदर काउंट के अंदर +1 कर देना, अपडेट करा दिया उसको मैंने, सिंपल ये करा है। पेज को रिलोड करा, इसको मैं फ़िलहाल के लिए हटाता हूँ और चलाता हूँ बटन को, हो रहा, चल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, मैंने क्लास लिखा और यहाँ पे करा टेक्स्ट 3XL, फॉन्ट इसका कर लेते हैं बोल्ड, ये यहाँ पर आ गया, सही है। और बटन के अंदर आकर थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, क्लास लगाया, और क्लास लगाकर अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, बीजी ब्लैक कर लेते हैं, बीजी ब्लैक, तो ये ऐसा आ रहा है। और इसके अंदर का टेक्स्ट वाइट, जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ चल रहा है, सही है। अच्छा भाई, मैंने ये बोला कि आपका यूज इफेक्ट जब जब चलेगा, जब मैं कोई स्टेट मेरी अपडेट होगी, स्टेट अपडेट हो रही है, क्लिक कर रहा हूँ वो अपडेट हो जाता है, फिर वो फिर क्लिक करता हूँ फिर अपडेट हो जाता है। तो अब मैंने दूसरी बात ये बोली कि सबसे पहले आपकी वेबसाइट चलेगी और एपीआई फेच होकर आ जाएगी,
समझ रहे हो। अब आपकी एपीआई फेच होकर आ गई, लेकिन मसला क्या होगा, मैंने बोला आपका यूज इफेक्ट जब जब भी चलेगा, कब कब चलेगा, जब आपकी स्टेट कोई अपडेट होती है। अब समझ लो आपकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट आ रहे हैं स्क्रीन पर, सही है, आप प्रोडक्ट से आपका कोई काम नहीं है लेकिन आप कोई दूसरा काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपने जो है क्या करा, यहाँ पर एक साइड नेवी मेन्यू बार आ रहा है, क्लिक कर रहे हो तो मेन्यू बार खुल रहा है, स्टेट अपडेट हो रही है ना, जब भी तो खुल रहा है, मतलब जो मेन्यू बार बनता है ना हमारा, वो ऐसे बनता है, बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू फॉल्स होती है, फॉल्स का मतलब है कि बंद है, फिर हम क्लिक करके स्टेट अपडेट से हम ट्रू भिजवाते हैं तो वो आपसे खुल जाता है। तो अपडेट जब भी चेंज होगी, यानी हमारी स्टेट तो जब भी चेंज हो रही होगी। हाँ 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 उसी से बनता ही है, उसको यूज स्टेट से बनता है। हाँ अभी सबर करो, पहले इस बात को चलने दो। आपकी एपीआई आ गई, वेबसाइट लोड हुई, आपकी एपीआई फेच प्रोडक्ट लेकर आ गई है, समझ रहे हो बात को, लेकिन जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यूज इफेक्ट जब भी चल रहा है, मतलब जब भी फॉर एग्जांपल मैं किसी भी बटन पे क्लिक करता हूँ और वो बटन आपकी स्टेट अपडेट कर देती है बिहाइंड द सीन, तो आपकी एपीआई फिर से कॉल हो रही है, बार बार कॉल हो रही है, एक ही प्रोडक्ट मतलब बार बार आए जा रहे हैं, ये मसला होगा। मैं बल्कि मेरी एक वेबसाइट में हुआ हुआ है, मैंने बग्स ठीक नहीं करा, वो एरर हुआ हुआ है मेरे, आपको दिखाता हूँ मैं, ये मैंने एरर किया हुआ है और अभी तक मैंने सही नहीं करा, मुझे याद आ गया, मैं दिखा देता हूँ मसला क्या होगा, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। इस वाली के अंदर एरर है, हाँ काउंटर पर रोकना मतलब, हाँ हो गया था क्या, इफ के कंडीशन लगेगी मतलब, हाँ 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 सही है। अच्छा देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये प्रोडक्ट आ रहे हैं, कितनी लाइनें आ रही हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, मैं यहाँ पर आ गया करता हूँ, मैंने इस पर क्लिक करा, मतलब अपडेट हो गई होगी स्टेट, तो अब आगे लाइनें गिनते हैं, 1 2 3 4, अभी 5 आ रही है। यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको पता नहीं किसी चीज़ पे मैंने करा हुआ था, स्टेट मेरी चेंज होती है, मैं वापसी से काम और करता हूँ, रिपीट होता है बार बार ये, इधर आके हाँ हो गया ना, देखो अभी देख रहे हो कितने आ रहे हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितनी दफ़ा रिपीट होगा, जितनी दफ़ा मैंने इन इन बटनों पर क्लिक करा, स्टेट मेरी चेंज होते जा रही है, उतनी ही दफ़ा कॉल होते जा रहे हैं। तो अभी अंदाज़ा लगाओ कि ये जो मेरे पास एपीआई आ रही है किसी डेटाबेस से आ रही है, तो एपीआई जो डेटाबेस से आ रही है, तो अंदाज़ा लगाओ जब बार बार मेरी स्टेट चलेगी तो एपीआई वहाँ से फेच होकर आ रही होगी, तो डेटाबेस पे कितनी मतलब हिट जा रहे हैं फालतू के, डेटाबेस के ऊपर कितनी सारी अननेसेसरी रिक्वेस्ट जा रही है कि भाई एपीआई दो, एपीआई दो, डेटा देते दो, देते दे रहो, देते रहो, तो कितना बड़ा मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर ही बंद हो जाएगा अगर इतनी मतलब फालतू की रिक्वेस्टें भेजेंगे। भाई आपको काम करना है, आप काउंटर क्लिक कर रहे हो तो एपीआई का काम क्या है चलने का, एपीआई का तो कोई काम नहीं है ना, आप काम कर रहे हो काउंटर के साथ तो एपीआई क्यों काम हो रही है, मसला है, तो ये मसला है इसमें, मैंने वहाँ पे उस मसले को सॉल्व नहीं करा, मैं भूल गया उसको, इतना टाइम से ऐसे छोड़ा हुआ मैंने, तो ये मसला है इसके अंदर कि जब भी आपका कंपोनेंट री रेंडर होगा, री रेंडर का मतलब है कि जब भी आपका स्टेट अपडेट होती है, ऐसी बात है अंदर का भी वो कोड चेंज होगा, तो हमारा यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा, और मैंने बोला कि यूज इफेक्ट में रियल लाइफ में एपीआई रख के कॉल की जाती है, सही है, वो हम देखेंगे भी, तो यहाँ पर आके ये मसला है। तो इस मसले को हम क्या चाह रहे हैं कि भाई एपीआई आती है ठीक है, एक ही दफ़ा आके रहे ना, तो जब भी कोई क्लिक करें तो वो नहीं चलनी चाहिए, समझ रहे हो। तो हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये जो दूसरा पैरामीटर लेता है वो लेता है एम्प्टी एरे, क्या लेता है, एम्प्टी एरे, जिसको डिपेंडेंसी में बोल रहा था ना, डिपेंडेंसी लेता है वो ये एम्प्टी एरे है वो। अब मैंने यहाँ पर एम्प्टी एरे लगा दिया, सही है, पेज को रिलोड करा, क्लिक कर रहा हूँ, हो गया मसले का। तो अब चाहे आपकी स्टेट कितनी भी अपडेट होता रहे, कुछ भी होता रहे, बस वो एक ही दफ़ा चलेगा, पेज रिलोड नहीं हो रहा, बिहाइंड द सीन चेंज हो रहा, डेटा हमारा वैल्यू चेंज हो रहा है,
तो पूरा पेज रीलोड होगा बार बार। हाँ सही है। तो यहाँ पर हमारे पास देख रहे हो, मैं क्लिक कर रहा हूँ, अब वो नहीं चल रहा। हमारा यूज इफेक्ट में पहला केस क्या था कि वो बार बार चल रहा था। कोई भी आपका ऐसा काम है जो आके बहुत दफ़ा वो यूज़ भी होता है। अभी तो मसला नज़र आ रहा है, मैंने इतनी दफ़ा प्रोग्राम में यूज़ किया है। उसमें होता क्या है, कोई भी स्टेट में अपडेट करता हूँ, कोई भी चेंज करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो बताऊँ कहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। आपने इधर देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर इधर कार्ट आ रहा होता है जिसमें नंबर बढ़ रहे होते हैं 1 2 3 4, तो ये वहाँ पे यूज़ हो रहा होता है। हम चाहते हैं कि बार बार पेज रिलोड हो, लेकिन एपीआई तो उसमें निकल रख के कॉल अभी भी होती है, लेकिन हम चाहते हैं कि पेज जैसे रिलोड होगा ना तो अपडेट होते रहे खुद ही, 1 2 3 खुद ही बढ़ते रहे। तो खैर वो आगे की चीज़ हम दिखाएंगे, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरह से होगा वो। अभी एपीआई के हिसाब से तो काम ख़राब था। अगर इसमें एपीआई रख के मैंने कॉल करी थी तो मैं जैसे अपडेट कर रहा हूँ एपीआई बार बार चल रही है, तो मसला कर रहा है ना वो। तो यहाँ पर इस मसले का सोल्यूशन ये है। अब एक और मसला भी है, अगर चलो मैं मानता हूँ कि इसको मैंने क्लिक करा, क्लिक करवा कर आपने उसको किसी दूसरे बास्केट के अंदर भेज दिया, मतलब दूसरे कार्ट में देखने के लिए ऑप्शन मिलता है ना हमें, मैं चलो मैंने उसको हटा दिया। तो आपने इसको जो समझ लो कि क्लिक करा, मैं रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ इसकी। ये देख रहे हो कितनी देर लगाती है लोड होने में, इसमें ये मसला है। अच्छा मैं आता हूँ इस वाली वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास आ गए, मैंने इस पर क्लिक करा, अपडेट हो गया, और यहाँ पर आया ये डिटेल आ गई है। अब यहाँ पर जो डिटेल आ रही है, जब मैंने इस पर वहाँ से क्लिक करा, ये भी तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हुआ होगा, ये भी तो कहीं ना कहीं पर जाके स्टोर होगा, जब भी तो इधर आ रहा है ना। अच्छा मैं यहाँ पर आता हूँ और डेटा भेजता हूँ इधर से, ये भेज दिया, ये भेज दिया, तीन हो गए, यहाँ पर आया तीनों डेटा आ गए। तो ये भी तो कहीं ना कहीं से तो आ रहा होगा ना उठकर, कहीं तो स्टोर हुआ हुआ होगा, ये भी डेटाबेस है। ये मैंने किस पर भिजवाया हुआ है, डेटाबेस पर, और डेटाबेस से डेटा इधर मंगवाने के लिए भी मैंने एक एपीआई लगाई है, क्योंकि डेटाबेस से डेटा मंगवाने के लिए भी एपीआई होती है ना, जैसे मैंने बताया था प्रोडक्ट जो आपके प्रोडक्ट आ रहे होते हैं बाई डिफॉल्ट एपीआई से, कहाँ से आ रहे, डेटाबेस से आ रहे हैं, वो भी उसका लिंक दिया हुआ है यूज़ करो। इसी तरह से ये भी मैंने डेटाबेस पे भेजा और डेटाबेस का लिंक उठा के इधर लगा दिया कि जो भी डेटाबेस पे आपको प्रोडक्ट मिले लेकर आ जाओ। चलो ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसका कनेक्शन क्या है इस बात से, इसका कनेक्शन ये है, आपका तीसरा केस बता रहा हूँ कि और किस तरह से चल सकता है हमारा यूज इफेक्ट। एक केस तो ये हो गया, पहला केस ये हो गया, अगर मैं इसको नहीं लगाता जी, मैं यहाँ पर आया, मैंने पेज को रिलोड करा, ये चल रहा है। अब जैसे मैं अब स्टेट अपडेट करूंगा तो चलते जा रहा है, जबकि मैं नहीं चाह रहा कि वो नहीं चले। पहला केस तो ये है। दूसरा केस, अगर आप चाह रहे हो कि भाई नहीं चले, एक ही दफ़ा चले पेज रिलोड होते ही, तो आप उसको ऊपर एम टी एरे लगा दो तो वो एक ही दफ़ा में चलेगा। अब हमारे पास तीसरा केस क्या है, आप ऐसा चाह रहे हो कि जैसे आप यहाँ से प्रोडक्ट को एड टू कार्ट करो तो वहाँ पर जाएगा। अब उसके अंदर जाहिर सी बात है आपने एक एपीआई बनाकर रखी हुई है, आपने एक एपीआई बनाकर रखी हुई है। ये समझ लो कि मैंने क्या करा, एक और यूज इफेक्ट बना लिया, एक और यूज इफेक्ट बना लिया, ठीक है। और इस यूज इफेक्ट के अंदर समझ लो कि कौन सी एपीआई कॉल हो रही है, मैं पता क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि जैसे मैं उस प्रोडक्ट पे एड टू कार्ट करूं, तो एड टू कार्ट करूंगा तो ये यूज इफेक्ट को यानी एपीआई को चलना चाहिए, और वहां पर जो जितने भी प्रोडक्ट मैंने भेजे हैं डेटाबेस पे क्लिक करवा कर उस एपीआई का काम ये कि फेच करवा के लेकर आ जाए। समझ रहा हूँ मैं ऐसा चाह रहा हूँ। कार्ड में भी यूज होता है ना ये। हाँ। अच्छा मैं यहाँ पर आगे क्या करता हूँ, फेच डेटा एड एड कार्ड कर लेते हैं कि जो डेटा इसने फेच करा है ये एड कार्ट वाला डेटा है जो यूजर ने ऐड कर लिया है, सही है। और आ कहाँ से रहा है, फ्रॉम डेटाबेस, ये एपीआई कहाँ से डेटा फेच करके ला रही है, डेटाबेस से, सही है। मैंने पेज को रिलोड करा फर्स्ट टाइम पर तो दोनों एपीआई चलेंगी। दोनों एपीआई क्यों चलेगी, जाहिर सी बात है जो मैंने बास्केट बनाई हुई होगी बास्केट में वो एपीआई चलाएगा, चेक करेगा कि डेटाबेस पर कोई डेटा तो नहीं रखा हुआ, फर्स्ट टाइम पर चले के चेक तो करेगा वो वहाँ पर कुछ है भी नहीं है। दूसरी चीज़, ये पहली वाली एपीआई किस चीज़ की है, स्क्रीन पर प्रोडक्ट ला के देगी जो कि एक दफ़ा ला के देना चाहिए इसको, सही है। अब हमारे पास यहाँ पर एड टू कार्ड कर रहे हैं, एड टू कार्ड मैंने करा, क्लिक करा,
तो अभी तो दोनों नहीं चल रही हैं। सही है, फर्स्ट टाइम पे तो दोनों चलेंगी, लेकिन अभी दोनों नहीं चल रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली एपीआई भी चले, लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसको ये एक ही दफ़ा चला दूँ, अब मैं यहाँ से प्रोडक्ट एड टू कार्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे फेच करके ला रहा होगा, नहीं करके लाएगा, क्योंकि वो तो एक दफ़ा चल गया ना, वो तो बार बार तो चल ही नहीं रहा वो। लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ जैसे ही एड टू कार्ट करूँ फिर वो फिर तो फेच करके लाना चाहिए उसको, वापसी एपीआई तो हम चलाना चाह रहे हैं। अब तो मजबूरी है कि डेटाबेस में हमें रिक्वेस्ट भेजना पड़ रही है, क्योंकि उसके बाद अब डेटा स्टोर हुआ होगा वहाँ पर। जब मैंने एक टू कार्ड करा तो दो प्रोडक्ट गए होंगे, एक और गया होगा, तो वापसी से मैं एपीआई को चलाने की कोशिश करूँगा कि भाई अब तीन होगा तो उसको भी लेकर आओ, ऐसा करना चाहूँगा ना। लेकिन अब यहाँ पर ये भी हमारे लिए मसला बन गया इस हिसाब से, तो अब वो चल ही नहीं रहा तो ये भी मसला है, और अगर क्लिक कर रहे हैं तो ये भी मसला है कि जो है हमारे पास क्लिक कर रहे हैं तो मतलब बार बार आ रहे हैं, ये भी मसला है कि बार बार भी नहीं चलना चाहिए, मतलब फालतू नहीं चलना चाहिए, काम से तो चले, अभी तो हमारे काम है, लेकिन वो चल ही नहीं रहा वो तो इसमें ये मसला आ रहा है। जबकि मसला खैर नहीं है, मसला तो इसका प्रॉब्लम तो जब मसला कर रही है हमारे लिए, जब एड टू कार्ट के अंदर बास्केट के अंदर जब वो हमें प्रोडक्ट चाहिए तो ला कर ही नहीं देगा, क्योंकि इसकी एपीआई तो बस ये वाली एक दफ़ा ही चल रही है बस, वो शुरू में कि वो चेक करिए डेटाबेस में डेटा है या नहीं है, लेकिन जब मैंने एड टू कार्ट कराया तो डेटाबेस में डेटा तो चल गया, समझ लो, चाहे दो करें तीन करें तो ये चल भी नहीं रही है। तो इस कंडीशन के लिए हम यहाँ पर इसके अंदर डिपेंडेंसी इसको कर देंगे, इस एरे के अंदर एक कंडीशन डाल देंगे, इस काउंट को उठाया इसको जाके डाल दिया, इस काउंट को उठाकर मैंने इस एम्प्टी एरे के अंदर डेटा डाल दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। ये जो आपको यहाँ पर अगर मैं होवर करूँ यूज इफेक्ट पर तो ये आपको ये बताएगा कि इसके अंदर डिपेंडेंसी लिस्ट दो। डिपेंडेंसी का मतलब है कि ये अब जो है इस काउंट के ऊपर डिपेंड हो गया जी जी नहीं, मुजम्मिल मस्ताना के नाम से होंगे। अच्छा, मुजम्मिल अंसारी, मुजम्मिल अंसारी नाम नहीं लिखा हुआ, ये हो सकता है कि शुरू सुबह वाले बेच में चल गए थे ना, ये वापसी से इधर शिफ्ट हुए हैं। हाँ, ये दो, ये मुजम्मिल अंसारी, पूरा फुल नेम बताऊँ? अच्छा, नहीं, निक नेम था मुजम्मिल मस्ताना जो है ना। हाँ, जी, ये रेगुलर स्टूडेंट है, वो टाइम से पहले पहुंच जाएगा ये। ये आप देखना 2 बजे ही नजर आएगा, अभी 3 बजे क्लास होगी ना, 2 बजे भी इधर बैठा हुआ नजर आएगा ये। नहीं, इसी टाइम पे, ये तो 1 महीने से समझ लो इसी टाइमिंग में आ रहा है जी। हाँ, अब वो एक अलग बात है, फीस लेट जमा कराता खुद पहले आ जाता। अच्छा, खैर चलो, मजाक कर रहा था, बुरा नहीं मानना है। हाँ, मैंने काउंट को क्या करा, मैंने इस एम्प्टी एरे के अंदर एक काउंट डाल दिया, डिपेंडेंसी एरे क्यों बोलते हैं इसको, कि ये अब उस काउंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि काउंट जैसी चेंज होगा तो ही ये चलेगा, काउंट जैसी चेंज होगा अपडेट होगा तो ये चलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आप तो बोल रहे हो तो फिर इसको लगाने मतलब क्या है, तो फिर तो लगाओ नहीं, वो तो वैसे भी चल ही रहा था, काउंट अपडेट हो रहा तब भी चल ही रहा था, बात तो अभी भी वही है। मैं दिखाता हूँ, पेज को रिलोड करा, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एपीआई तो फर्स्ट टाइम चलेगी, ऊपर वाली तो एक दफ़ा चलेगी, लेकिन ये वाली बार बार कब तक कब कब चले, जब यूज़र एड टू कार्ट कर रहा प्रोडक्ट को, जब जब चले, मैंने क्लिक करा, कौन सी वाली चली, नीचे वाली चली, जबकि चलने तो चाहिए थी ना, एड टू कार्ट करा ऐसी बात, वो एपीआई चलेगी, डेटाबेस में दो प्रोडक्ट हो गएंगे तो दो को फेच करके लाएगी। हाँ, नहीं चल रही थी, आपने बोला कि इसको इसी के अंदर रख दिया, तो अभी तो पुराने जैसा काम कर रहा होगा ये, ऐसा लग रहा होगा ना, पुराने जैसा काम कर रहा है, मतलब पुराने जैसा, मतलब ये लगाऊं या ना लगाऊं बात तो मेरे लिए एक ही लग रही होगी, आपको तो अभी भी तो चल ही रहा है, बात तो एक ही लग रही होगी। तो ये एक नहीं है बात, बात क्या है इसके अंदर, मैंने यहाँ पर आकर पहली बात आपको लग नहीं रहा था, वो आपके चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, लेकिन ये क्या, मैंने बता दिया कि वो आप लोगों को ऐसा एक लग रहा होगा, सही बोला ना मैंने, अच्छा मैंने करके दिखा दी, मुझे लग रहा था कि आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन लग नहीं रहता है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास, मैंने इसको एड टू कार्ट करा, अभी भी वो चल रहा है, तो डिपेंडेंसी एरे का मतलब क्या हुआ फिर?
वो अब उस पे तो पहले भी जब नहीं था तो जब भी तो चले ही जाता वो। तो जब मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ था तो भी तो ये चल रहा है ना, मैं ये तो बता रहा हूँ। तो लेकिन अब तो मैं बार बार चलाना चाह रहा हूँ ना, अब तो मैं इसलिए चलाना चाह रहा हूँ कि जब तक मैं जब मैं प्रोडक्ट को कार्ट टू कार्ट कर रहा हूँ तो जो मेरी बास्केट के अंदर की जो एपीआई है, बास्केट के अंदर का मतलब ये है कि जो भी मैं उसके अंदर प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं वो बहुत सारे, जब मैं ऐसे एड टू कार्ट कर रहा हूँ तो वो पहले तो मैं डेटाबेस पे भेज रहा हूँ। हाँ, दोनों में क्या फर्क है? तो जब हम रियल लाइफ में काम करेंगे, देखो ये वाला अगर मैं ये वाला काम करता हूँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो तो अभी भी चल रहा है, लेकिन ये वाला सिर्फ अब ये जो है ना, ये वाला जब भी चलेगा जब ये वाली स्टेट चेंज होगी, समझ रहे हो? डिपेंडेंसी एरे का मतलब ये था कि ये वाला जब भी चलेगा जब सिर्फ इसकी स्टेट अपडेट होगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक और स्टेट है लेट, और यहाँ पर मैंने ले लिया यूज स्टेट, ठीक है, इसके अंदर मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखता हूँ फॉल्स, क्या रख रहा हूँ फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या करा, एक ले लिया वैल्यू, दूसरा ले लिया सेट वैल्यू, और इसके अंदर आकर मैंने एक और H1 लिया, एक और H1 लिया, और इस H1 के अंदर मैंने रख दिया वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक और बटन बनाया, और इस बटन के अंदर क्या होने वाला है, चेंज वैल्यू कर लेते हैं, चेंज वैल्यू, और ऑन क्लिक लगाता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेट वैल्यू, ठीक है, और इसके अंदर मैंने भिजवा दिया क्या, ट्रू। अब देखो मसला क्या है, मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा, अच्छा H1 के अंदर यहाँ से वैल्यू आ रहा है, वैल्यू आता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा, वैल्यू अच्छा फॉल्स नज़र नहीं आ रहा, सही है, इसको ये वाला फॉल्स कर लेते हैं, इसको ये वाला ट्रू कर लेते हैं, सही है, अब आ रहा फॉल्स जब मैं क्लिक कर रहा हूँ वो हो रहा है, सही है। तो ये देखो मैंने उसको क्या करा, डिपेंडेंसी एरे का मतलब ये है कि अब ये वाला जो है, ये वाली एपीआई फेच डेटा एड कार्ट फ्रॉम डेटाबेस वाली एपीआई जब भी चलनी चाहिए जब मैं प्रोडक्ट पर एड टू कार्ट करूं, वरना ये एपीआई नहीं चलनी चाहिए। बात को समझ रहे हो मेरी, कि ये वाली एपीआई है ये जब भी चलना चाहिए जब मैं प्रोडक्ट के ऊपर एड टू कार्ट करूं, समझ रहे हो? और वैसे तो बाय डिफॉल्ट तो सारी जब फर्स्ट टाइम पे वेबसाइट लोड होती है मेरे पास तो सारी एपीआई चलती है एक साथ, सब चीज़ें एक साथ चलेंगी, चाहे आप एड टू कार्ट करो या नहीं करो, वो क्यों चलेंगी? वो इसलिए चेक करेगा ना, वेबसाइट लोड होता है कि कोई डेटा बेस पर कोई डेटा तो नहीं रखा हुआ, वरना उसको कहते हो सकता है कि रखा हुआ, हम दिखाना चाह रहे हो कि भाई ये रखा हुआ है, दिखाओ। नहीं, एक ही बनेगा, हम देखेंगे खैर वो आगे। मैं से यूज इफेक्ट समझाना चाह रहा हूँ कि इसके तीन काम है, तीन किस तरह से करेंगे। पहला काम तो ये था कि अगर मैं इनको नहीं लगाता तो देखो क्या होगा, मैं चाहे ये वाली स्टेट दबा दूं या ये वाली स्टेट दबाऊं, दोनों का काम क्या है, स्टेट को अपडेट करना। क्लिक करा दोनों चल गई, फेच डेटा एपीआई, फेच डेटा एपीआई, ये वाली भी दबाऊंगा तो फिर से वो दोनों चल रही हैं। तो जाहिर सी बात है ना, मैंने ना इसके अंदर डिपेंडेंसी लगाई, इन दोनों में नहीं लगाई, तो मैं क्या चल रहा हूँ कि ये वाली जो एपीआई है ये चले बट एक ही दफ़ा चले, समझ लो एक ही दफ़ा चले जब वेबसाइट लोड हो। इसका काम है स्क्रीन पर प्रोडक्ट लेकर आना डेटाबेस से, तो इसको रोकने के लिए तो हमें पता चल गया कि हम यहाँ पर ये लगा देंगे तो वो रुक जाएगा, पेज को रिलोड करा, अब चाहे ये वाली स्टेट दबाऊँ या ये वाली, मैंने इसको दबाया तो वो तो रुक गया है, अब वो नीचे वाला नहीं रुका क्योंकि नीचे वाले में मैंने कुछ काम ही नहीं करा है, तो ये वो तो खाली है, मैंने इसको दबाया फिर से वो कॉल हो गया। लेकिन आप ये देखो, मैं चाहे ये वाली स्टेट दबाऊँ या ये वाली स्टेट दबाऊँ वो चले जा रहा है बार बार, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला ही एपीआई जब जब चले जब मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर एड टू कार्ट करूँ, समझ लो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो काउंट लिखा हुआ है इसको एड टू कार्ट कर लेता हूँ, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एड
कार्ट इस प्रोडक्ट का नाम है, समझ लो मैं ये प्रोडक्ट है मेरे पास, इसको ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जब इस पे क्लिक करूँ ना तो ही ये चले, इस पे क्लिक करूँ तो नहीं चलनी चाहिए। जाहिर सी बात है ना, मेरे पास प्रोडक्ट एंड कार्ड हो रहा है तभी चलनी चाहिए, दूसरी भी और भी स्टेट हो सकती है, मेरे पास दूसरे भी काम होंगे वेबसाइट में, एक ही काम थोड़ी नहीं है एड टू कार्ट कराना। हाँ इसको इसको मुंह नीचे करो थोड़ा। हाँ हाँ जब जब एड टू कार्ट पे क्लिक हो तभी ये वाली एपीआई चलनी चाहिए। कब चलनी चाहिए? जब एड टू कार्ट पे क्लिक हो, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पर सीन क्या हो रहा है कि यार मेरे पास समझ लो कि 10 स्टेट बनी हुई हैं। एक का काम है कि नेविगेशन मेन्यू को चलाना, स्टेट अपडेट हो रही है, ट्रू फॉल्स जा रहा है, ये तब भी चल जाएगी। मैं फॉर्म को लॉगिन कर रहा हूँ तब भी स्टेट चलेगी, तब भी ये वाली एपीआई चल जाएगी। या मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, तब भी वाली एपीआई चल जाएगी। जैसे कि अभी हो रही है, अभी 2 स्टेट बनी हुई है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो तो चलने में लगा हुआ भाई, उसको टेंशन नहीं। देखो ये कर रहा हूँ चाहे ये कर रहा हूँ, वो तो चल रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, ये जब जब चले, जब मैं सिर्फ एड टू कार्ड वाले पे ही क्लिक करूँ, जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँ, ये एपीआई से जब भी चलनी चाहिए। बात को समझ गए क्या बोला? इतनी देर लग गई समझ में? जी मैं ये चाह रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर हम इसको डिपेंडेंसी एरे बना देते हैं। हम ये बोलते हैं कि ये वाली जो यूज इफेक्ट है जब चले, जब मैं सिर्फ काउंट वाले पे क्लिक करूँ। अब समझ में आ गया? ये वाला यूज इफेक्ट जो फेच डेटा एड टू कार्ट वाला जो एपीआई है, ये सिर्फ जब भी चले कि जब मैं उसको एड टू कार्ट करवाऊँ। ये समझ लो एड टू कार्ट का काम हो रहा है ना मेरे पास। मैंने बोला ये जब चले, जब मेरे पास काउंट वाला अपडेट हो, बस चलेंगे दोनों फर्स्ट टाइम पे एक एक दफा। लेकिन ये वाला फिर बार बार नहीं चलेगा, नीचे वाला नहीं, फिर दोनों नहीं चलेंगे बार बार, दोनों बार बार नहीं चलेंगे। और ये वाला जब चलेगा, जब मैं एड टू कार्ट करते रहूंगा बस। और वो वाला तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो तो एक ही दफा चलेगा ना, फर्स्ट टाइम पे तो बस आएगा पेज को। मैंने नहीं ना, वो तो आया हुआ है ना, सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना, रिएक्ट का मतलब यही है कि बस वो चीज़ वहीं पर रुकी हुई है। आप भले पेज आगे पीछे कर रहे हो, वो तो हमारी आंखों का धोखा है कि पेज आगे दूसरे पेज है, लेकिन रिएक्ट में बिहाइंड द सीन ऐसा कुछ भी नहीं है। पेज रिएक्ट के नज़र में तो कोई पेज है ही नहीं, बहुत सारे। ये तो हमारी नज़र में पेज है, ये पेज अलग है, ये पेज अलग है, ये पेज अलग। आप पीछे बिहाइंड द सीन में कोड में जाके देखो, सब कुछ एक ही में आ रहा होगा। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, वहाँ पे तो मैंने ये गलती करी भी है ना, वहाँ पे ये मसला था, वो इसलिए हो रहा है वो। अब देखो मैंने क्या करा, इसको डिपेंड कर दिया किसके ऊपर? इसके ऊपर कि जब ये सिर्फ ये वाली स्टेट अपडेट हो ना, जब भी चलना चाहिए, ये वाली स्टेट अपडेट करूँ तो नहीं चलना चाहिए, समझ लो। क्योंकि इसका काम क्या है, इसका तो काम है नेविगेशन मेन्यू वाला काम है, क्लिक करो तो एक बार खुल जाए, बंद करो हो जाए, तो इस तरह से काम हो जाए। पेज को रिलोड करा, क्लिक कर रहा हूँ, चल रहा है, पेज को रिलोड करा, क्या है? फॉल्स है। मैंने क्लिक करा, अपडेट हो गया, चला नहीं चला। एड कार्ड करा तो सिर्फ ये वाली एपीआई चल रही है, फिर एड कार्ड करा फिर ये वाली एपीआई चल रही है। अब एड टू कार्ड करते जाऊंगा, ये एपीआई चलेगी, डेटाबेस पे जितने प्रोडक्ट होंगे लाते रहेगा। ये 3 काम है इसके, समझ में आ गया होगा अब तो, मुझे लग रहा है। बड़े मुश्किल से लग रहा है मुझे आया हो। हाँ एड होता रहेगा और एपीआई चलते रहेगी। अबे भाई अभी मैं कब सिखा रहा हूँ माइनस प्लस, कब सिखा रहा हूँ? अभी तो आगे की चीज है। मैं क्या बोलना चाह रहा है? हाँ दो बटन है, मैं चाहूँ एक ही चीज प्रोडक्ट हो, हो जाएगा हो जाएगा। क्या स्टार्ट करी है, मतलब बच्चों को सुबह सिखाई भी चल रही है मैम उसकी। अच्छा हो सकता है कि आपके वहाँ कोई मसला हो। अच्छा फिर आगे स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है? सब समझ में आ गया? अच्छा जी,
तो फिर हमारे पास ये है यूज इफेक्ट। अब आगे एक और ऊपर ले जा रहे हैं, सही है, इसको हटा दो, मतलब तो हटा दो ना। लिखे रहने दो, चलो सही है। सही है, इसको कमेंट कर दिया है, पेज को रिलोड करा, कोई एरर नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा, ठीक है। अब हमारे पास है यूज इफेक्ट, वो अब हम पढ़ने आ रहे हैं यूज रेफ। यूज रेफ, अब ये तो नहीं मिला है, यूज रेफ REF, सही है। और इस यूज रेफ का काम क्या है, यूज रेफ हमारे पास, इससे पहले जब हमने पढ़ा था, डोम पढ़ते थे, वहाँ पे जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में आईडी वगैरह करते थे, ये वो काम करके देगा, ये डायरेक्टली एक्चुअल डोम को टारगेट करेगा। किसको टारगेट करेगा, एक्चुअल डोम को टारगेट करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नेवबार पर आता हूँ, नेवबार पर आता हूँ, तो मेरा पास नेवबार कंपोनेंट है, इसमें आया। यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या करा, मैं चाह रहा हूँ इसको टारगेट करना, इसको इस अबाउट को टारगेट करना है, इस अबाउट पे कलर करना है अपनी मर्जी का या कुछ भी, मतलब काम करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक यूज रेफ का हुक बनाऊँगा, यूज रेफ का मैंने क्या करा, एक हुक बनाया। और ये यूज रेफ कहाँ से इम्पोर्ट हुआ, रिएक्ट से इम्पोर्ट हुआ है, ठीक है। ये यूज रेफ हमारे पास एक हुक है, और ये क्या करता है, डायरेक्टली टारगेट करने का काम करता है। नेवबार बनाया तो क्या आ रहा है स्क्रीन पर, हाँ बहुत पड़ती है, आज भी यूज़ करा मैंने अपने प्रोजेक्ट में, जरूरत तो पड़ती है। अब हमारे पास यूज रेफ का काम है, ठीक है। यूज रेफ हमारे पास एक फंक्शन है, सही है। ये क्या काम करता है, इसका काम ये होता है डायरेक्टली किसी वैल्यू को टारगेट करके देना। इसका सबसे पहले एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, मतलब कि इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ता है। मैंने यहाँ पर इसका नाम रख लिया वैल्यू, कर लेते हैं वैल्यू कर लिया। अब ये आपसे बोलेगा कि किसकी वैल्यू निकाल के देनी है, किसको टारगेट करना चाह रहे हो, या पूरे नेवबार को टारगेट करना चाह रहे हो, या एच वन को, या यू एल को, या किसी यू एल के एल आई को, किसको। मैंने बोला इसको, अबाउट को। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मिलती है रेफ, क्या रेफ, इसको लगा देना है, और इस रेफ के अंदर ये जो आपने वेरिएबल बनाया था वैल्यू वाला, ये डाल दो। अब ये वाला जो एल आई है, ये कनेक्ट हो गया इस वाले के साथ। अब मैं कंसोल करा के इसको चेक करूँगा कि वैल्यू में आ क्या रहा है, जब कनेक्ट हुआ है तो पता तो चला आ क्या रहा है। इधर आया, पेज को रिलोड करा, तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, समझ रहे हो। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास की वैल्यू, पर मैं डेटा आ रहा है जिसकी की क्या है, करंट, वैल्यू क्या है एल आई, और इसकी बहुत सारा डेटा आ रहा है जो मैंने क्लासे लगाई हुई थी वो सब आ रही है। तो इसका मतलब है डायरेक्टली टारगेट कर दिया। तो अगर डेटा मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, डॉट करंट, क्योंकि करंट उसकी की है ना, करंट निकाला तो ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड दिखा रहा है अभी मुझे, लेकिन ये अभी तो अनडिफाइंड दिखा रहा है, लेकिन जब मैंने इसको ओपन करके दिखाया था तो वो डेटा एल आई आ रहा था मेरे पास। अगर अब आपने कुछ काम इसमें करना है, जैसे कि मैं इस पे ऊपर डॉट, हमने क्या क्या पढ़ा था, मैं यहाँ से एक क्लास भेज रहा हूँ, हमने जो जावास्क्रिप्ट में जो चीज़ें पढ़ी थी ना डोम के अंदर, वहाँ पर एक क्लास लिस्ट थी, याद होगा, जो कि क्लास भेजने का काम करती थी। मैंने यहाँ पर क्या करा, क्लास, और ये मैंने बहुत दफ़ा यूज़ किया क्लास लिस्ट, मैंने बोला क्लास लिस्ट भेज रहा हूँ, क्लास लिस्ट इसका एक मेथड होता है, कौन सा, ऐड वाला, क्लास लिस्ट ऐड करना चाह रहा हूँ। ये बोला कि कौन सी क्लास लिस्ट ऐड करना चाह रहा हूँ, मैंने बोला इसका जो टेक्स्ट है, मैं टेलमेंट सेसेस की वो स्टाइलिंग कर रहा हूँ, मैंने बोला इसका टेक्स्ट जो है वो हो जाए 4XL का। पेज को मैंने रिलोड करा, और यहाँ पर मैंने क्या करा कि बोल रहा है कि प्रॉपर्टी अनडिफाइंड, अच्छा जी सही है जी, हाँ नहीं, एक बार सबर करो, सबर तो करो,
मैंने यहाँ से अबाउट का हटा दिया, ठीक है, और पेज को रिलोड करा, और यहाँ पर आके इसको फिलहाल के लिए कमेंट करता हूँ, पेज रिलोड करा, इसको यहाँ से हटाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अबाउट का आया है, ठीक है, मैंने सबसे पहले क्या करा, एक वैल्यू ली, यूजरेफ लिया, यूजरेफ को लाकर इसके साथ कनेक्ट कर दिया, जिस एल आई के अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर डोम जो हमने पढ़ी थी डोम की प्रॉपर्टी के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने बोला वैल्यू, वैल्यू के अंदर करंट लगाते हैं तो उसको आपको पता है उसकी मेरे को की मिल रही होती है, सही है, डेटा मिल रहा होता है। मैंने बोला उसके अंदर जाओ, इनर टेक्स्ट लगाओ, उस एल आई के अंदर जाओ, उसके अंदर आके एक इनर टेक्स्ट एड करो, क्या टेक्स्ट एड करो, अबाउट। तो मेरे पास ये एक मसला क्या कर रहा है, सही है, मेरे पास एक मसला आ रहा है जिसकी वजह से ये चल नहीं रहा है। इसको चलाने के लिए मैं काम करता हूँ, इसको उठा के लगता हूँ यूज इफेक्ट के अंदर, यूज इफेक्ट, मैं मसला समझाता हूँ मसला क्या है। चलिए अब ये देख रहे हो, यूज रेफ के जरिए मैं जो काम करना चाह रहा था वो मैंने कर लिया, मतलब मैंने जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो डोम पढ़ते थे डोम की वैल्यू को यूज करा है यूज रेफ के जरिए, लेकिन जब मैंने इसको यूज इफेक्ट नहीं लगाया था तो ये नहीं चल रहा था, समझ रहे हो। तो आप मुझे बता सकते हो कि क्यों मतलब ऐसा हो रहा था, पहले तो ये बताओ, ये समझ में आ भी रहा नहीं आ रहा। यूज रेफ को पहले मैंने कनेक्ट करा एलआई के साथ, एलआई के जब टारगेट कर लिया, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी करते हैं ना ऐसे, भाई ये भाई यहाँ पे गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं करा, भाई यूज रेफ करा है यहाँ पर। आगे जो भी वैल्यू टारगेट करके काम करना चाहो, क्लास लिस्ट भेजना चाहो क्लास भेज दो, मैं देखो यहाँ पर अगर क्लास लिस्ट भेजना चाहता हूँ, क्लास लिस्ट और डॉट लगा के इसका मेथड यूज कर लिया ऐड, और ऐड करके क्या बोल रहा हूँ मैं, टेक्स्ट फॉर एक्सेल हो जाए, सही है, मतलब एक क्लास भेज दी फॉर एक्सेल की अलग से, तो देखो काम कर रहा है वो। तो अभी मैंने इससे पहले क्या करा, इनर टेक्स्ट यूज इफेक्ट के साथ यूज हो रहा है, तो मेरा आपसे ये सवाल है, तो मैं यही तो आपसे बोल रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, पहले ये तो पता चले। पहले यूज इफेक्ट कब पढ़ लिया हमने, हाँ यूज इफेक्ट के बगैर नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा, मेरा ये सवाल है। इससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब पता ही चल रहा बोल के अभी मैं बोलना है, एरे का तो काम ही नहीं है, तो चल गया, तुम चलाना चाह रहे तो चल गया ना, तो आज जब मैं यूज इफेक्ट हटा रहा हूँ तो वो कब चल रहा है, वो एरर दे रहा है, वो तो मस्ता नहीं है, ये देखो एरर दे रहा है ना, चल चल कब रही है, देखो यहाँ पे कंसोल में एरर आ रहा है, क्या क्या, हाँ तो क्यों लिखा है, मैं ये तो पूछ रहा हूँ, तो ये क्या बता दिया, ये तो सारे बता देंगे कि कॉल पे फंक्शन में लिखा है, तो बताने से कुछ है नहीं रहा, तो सबको दिख रहा है कि मैंने उसमें लिखा हुआ है, बताया क्या था ये, अरे सबको दिख रहा है ना, दही बता देगा उसमें लिखा है, ये बताना क्या बताना हो गया, ये थोड़ा ना ये ना ही बताते तो भी कोई मसला नहीं था, कुछ ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हमने, ये ऐसा कुछ बताया है कि पता नहीं बहुत सीखने को मिल गया हमें। चलो फिर जब जान तो जानना नहीं चाह रहा, तो चलो ठीक है इसको ऐसे रख लेते हैं, नहीं नहीं चलो सही है, बस ये आ गया यूज इफेक्ट में कार्ड होगा, कहाँ से कार्ड आया था, चलो सही है, चलो देखो मसला ये आ रहा है कि अगर मैं इसको कंसोल कराऊं, कंट्रोल एक्स करा, यहाँ पे आके लॉक करा, कंट्रोल वी करा, अगर मैं इसको इस तरह से कंसोल करा रहा हूँ तो मेरे पास जो है यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ, मैंने बोला करंट में दिखाऊँ वहाँ क्या आ रहा है, वो हमें ये दिखा रहा है कि करंट के अंदर तो एक अनडिफाइन आ रहा है। अब आप एक चीज़ है ही नहीं, अनडिफाइन है, आप उसके ऊपर क्लास लिस्ट डॉट वगैरह चीज़ें लगा रहे हो तो कहाँ से आएगा, एक चीज़ है ही नहीं उसी पर आप क्लास लिस्ट लगा रहे हो, ये लगा रहे हो वो लगा रहे हो, कहाँ से आएगा। अगर यही चीज़ मैं उठा के यूज इफेक्ट में रख दूँ
तो ये अब उसकी वैल्यू दिखा रहा होगा कि आपने जिसको टारगेट किया वो एक एलआई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि यूज इफेक्ट में रखने के बाद ही क्यों दिखा रहा है वो? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सबसे पहले हमारे पास यूज रेफ चल रहा है जी, करंट बेटा ये उसके अंदर की निकाली है ना मैंने, मेरा भाई करंट नाम की आ रही है उसका डेटा रखा हुआ है ना ये। जब मेरे पास सबसे पहले वेबसाइट लोड हो रही है ना, लोड होते हैं सबसे पहले क्या लगा हुआ है यूज रेफ। तो यूज रेफ देखता है कि यहाँ पर तो कोई डेटा है नहीं, अनडिफाइंड है, खाली रखा हुआ है, सही है, सबसे पहले तो ये होता है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले नहीं चलाया, मतलब जैसे वेबसाइट लोड हुई सबसे पहले चल गया यूज रेफ, जब तक कि कुछ डेटा तो लोड हुआ ही नहीं नीचे आकर, कोड तो लाइन बाय लाइन चल रहा है ना, सबसे पहले क्या चला यूज रेफ चल गया। अब जब यूज रेफ चला तो उसने देखा तो नीचे तो कुछ डेटा है ही नहीं, कोड तो लाइन बाय चल रहा है ना, लाइन वाइज चल रहा है, तो उसने देखा तो इसमें तो कुछ है ही नहीं नीचे, तो खाली कर दिया उसने, समझ लो। फिर मैंने इसको यूज इफेक्ट में रखने से क्या हुआ, यूज इफेक्ट में रखने से ये हुआ, यूज इफेक्ट मैंने आपको बताया जब जब चलता है, जब आपका पूरा पेज रिलोड हो जाता है, तो जब पूरा पेज रिलोड हो गया चल गया तो उसके बाद यूज इफेक्ट वापसी चला होगा, जब चला होगा तो उसको यूज रेफ की वैल्यू उसने देखा होगा मिल गई होगी उसको, तो इस वजह से उसने बाद में उसको टारगेट कर लिया, पहले मैं टारगेट नहीं कर रहा था वो। वापसी रिपीट कर दूँ? हाँ, मतलब देखो सबसे पहले वेबसाइट चली, वेबसाइट चली, कोड चलता लाइन बाई लाइन बाई लाइन चलता, सही है, सबसे पहले क्या हुआ यूज रेफ चला, यूज रेफ चला तो अब उसने देखा होगा कि नीचे तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, कब कब देखा होगा, जब कोड लाइन वाइज चल रहा था, एक एक करके लाइन से चल रहा था, नीचे देखा उसने तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, टारगेट किसको करो, तो इसलिए वो अनडिफाइंड दिखा रहा था पहले वो, समझ रहे हो। यूज इफेक्ट में रखने से फ़ायदा ये हुआ, यूज इफेक्ट आपको पता जब चलता है, जब पूरा कंपोनेंट रेंडर हो जाता है, जब पूरा कंपोनेंट रेंडर हो जाता है तो यूज इफेक्ट तो चलता ही चलता है। तो मैंने बोला जब फर्स्ट टाइम में उसको वैल्यू नहीं मिली, अनडिफाइंड मिल रहा था, जब पूरा फंक्शन रेंडर हुआ होगा तो यूज इफेक्ट चला होगा, जब यूज इफेक्ट चला तो उसके अंदर हमने कंसोल करके देखा कि वैल्यू डॉट करंट वैल्यू क्या है, जाते जब कुछ रेंडर हो गया तो हमने बाद में कंसोल करा रहा हूँ उसको, तो इसलिए वो मुझे अब आंसर दिखा रहा है, वो ये मसला हो रहा है। डायरेक्टली आप उसको टारगेट करना, आपके सामने जो डिनर एचटीएमएल लिखा डोम का जो भी काम करोगे सब हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैंने इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ करा, जैसे मैंने आप लोगों को मूवी की वेबसाइट दिखाई थी, या हमारे पास क्या नाम है रिएक्ट इसकी व्हाट्सएप की वेबसाइट पर, ऐसा अभी नेटवर्क बिल्कुल सही आ रहा है, जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो इस पर एक कलर आ रहा है, देख रहे हो अभी तो सब कुछ कलरिंग वगैरह कलरिंग जो हुई है सब कुछ सही है, जैसे मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो इस पर एक कलर होकर आ रहा है, समझ रहे हो, वैसे तो सब कुछ सही है, जैसे मैं स्क्रॉल करूँगा तो इस पर एक कलर होकर आ रहा है, ये काम मैंने यूज रेफ से करा था, समझ रहे हो, ये यूज रेफ से होता है वाला, या मैं अपनी वेबसाइट पर दिखाता हूँ, देखो जैसे मैं ऊपर जाता हूँ कहीं नेवबार आ रहा है, जब मैं स्क्रॉल करूँगा तो नेवबार आ जाएगा, अभी आ रहा कहीं, जैसे स्क्रॉल करा नेवबार आ गया, ये यूज रेफ से करा रिएक्ट के अंदर, ये उससे हो जाता है ये। तो इस तरह का काम अगर करना है तो आप सिंपल यूज रेफ का भी यूज़ कर सकते हो, और भी खैर बहुत सारे तरीके हैं, भाई यूज रेफ का काम ये है, डायरेक्टली अगर किसी भी डोम की प्रॉपर्टी के साथ काम करना चाह रहे हो तो यूज रेफ का यूज़ करके आप कर सकते हो। तो ये हमने हुक देखे, यूज इफेक्ट का हुक क्या करता है, यूज रेफ का हुक क्या करता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, और भी हैं 15-20 हो गए, हम सारे नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर अगर मैं यूज लिखूँ तो देखो कितने सारे आ जाएंगे, यूज लिखा, यूज इफेक्ट है, यूज रेफ है, यूज कॉल बैक है, यूज कॉन्टेक्स्ट है, डिबग वैल्यू है, आईडी है, देखो सभी ओके, यूज मेमो, यूज रिड्यूसर, ये बस ओके टोटल, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, यूज रेफ, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगर थोड़ी सी बड़ी एप्लीकेशन बनती है तो फिर यूज कॉन्टेक्स्ट भी यूज हो जाता है, सही है। तो हमारे पास टोटली ये इसका काम था, सही है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, सेहत के लिए काफ़ी है, इसकी प्रैक्टिस करो या आगे चलें? बहुत है मैं बोल रहा हूँ, हैं आगे थोड़ा सा हार्ड लग सकता है प्रोप्स, ये तो इजी था। चलो तो चलो प्रैक्टिस कर लें इसकी पंचर।